गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नमस्कार। आज के इस ई क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे ई लेक्चर का विषय है ऋक्षिया का जीवन व्रत और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। ऋक्षिया के इस भाग के फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऋक्षिया का वर्गीकरण, आवास, विभिन्न देशों में पाई जाने वाली जातियां, युग्म गोद्भिद की बाह्य संरचना, युग्म गोद्भिद की आंतरिक संरचना एवं कायिक जनन। ऋक्षिया के भाग प्रथम में हम सब इन बिंदुओं पे संक्षिप्त रूप में इसका विवरण प्रस्तुत करूंगा। मैं शुरुआत करते हैं ऋक्षिया के वर्गीकरण से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिप्टो गेम्स के डिवीज़न ब्रायोफाइटा का मेंबर है ऋक्षिया। क्लास हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंसियलीज, फैमिली ऋक्षियेसी और जीनस ऋक्षिया। इस तरह से ये इसका वर्गीकरण है। ऋक्षिया के आवास के बारे में और जाति के बारे में बात करें तो सबसे पहले इटालियन वनस्पतिज्ञ एफ.एफ. ऋक्षि के सम्मान में इस वंश का नाम दिया गया। ऋक्षिया की जो पादप की जातियां हैं वो नम मिट्टी में, गीले चट्टानों में, नमस्थलीय आवासों में पाई जाती है। कुछ जातियां अपवाद स्वरूप जैसे ऋक्षिया फ्लूटेंस एक जलीय जाति है, ये गढ़वाल में, कश्मीर में, पंजाब की जितनी भी जिले हैं सब में पाई जाती हैं। ऋक्षिया विश्वव्यापी वंश है, पूरे विश्व में करीब इसकी लगभग 200 जातियां पाई जाती है। भारत में अब तक श्रीवास्तव एम उदार ने 1964 में अब तक 30 जातियां रिकॉर्ड की है। अधिकांश जातियां मैदानी क्षेत्रों में व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में, नम क्षेत्रों में, झरनों के किनारे पाई जाती है। राजस्थान में इसकी करीब 14 जातियां पाई जाती है, जिसमें अधिकांश जातियां माउंट आबू में पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली कुछ जातियों के नाम इस प्रकार हैं: ऋक्षिया जोधपुरेंसिस, ऋक्षिया आबुएंसिस, ऋक्षिया सिलिएटा, ऋक्षिया क्रिस्टलाइनिया, ऋक्षिया रेटिकुलेटा, ऋक्षिया रोबस्टा, ऋक्षिया डिस्कलर, ऋक्षिया हिर्सुटा, ऋक्षिया पांड्याय, ऋक्षिया गेंजेटिका एंड ऋक्षिया क्रूसिएटा, ऋक्षिया प्लाना। छात्र छात्राओं को इनको याद करने के लिए एक कोड याद रखना होगा, JACRFFMDHPGCB। जो कोड हैं वो उसकी जाति के नाम से संबोधित है, जैसे ऋक्षिया जोधपुरेंसिस, ऋक्षिया आबुएंसिस। ये केवल एक याद करने का तरीका है, कोई विशेष फॉर्मूला या वो नहीं है। हम यहाँ पे ऋक्षियों की जातियों के डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋक्षिया डिस्कलर, ऋक्षिया मेलोनोस्पोरा, ऋक्षिया पठानकोटेंसिस, ऋक्षिया फ्लुटेंस और ऋक्षिया की यहाँ पे दो फ्लुटेंस के दोनों यहाँ पे मौजूद हैं प्रभेद, जो तो एक तो वाटर फॉर्म में और एक लैंड फॉर्म में। इसके अलावा ऋक्षिया क्रूसिएटा। अब हम बात करते हैं ऋक्षिया के जीवन चक्र की। ऋक्षिया के जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं स्पष्ट होती हैं, युग्म गोद्भिद प्रावस्था
और बीजानुबित अवस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं युग्मगोदित प्रावस्था की। ऋक्षिया का युग्मगोदित श्यान होता है, छपटा होता है, द्विभाजी शाखन होता है इसके अंदर। इसके अलावा पृष्ठादर डॉट से वेंट्रल, यानी इस पे डॉट्स ऑफ सरफेस और वेंट्रल सरफेस पाई जाती है, तथा गहरे रंग का होता है। चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये रोजेड रूप में व्यवस्थित होता है। ऋक्षिया की जो जातियां हैं उनमें थैलस 5 से 7 mm लंबा और 1 से 2 mm चौड़ा हो सकता है। ऋक्षिया के थैलस में एक सुस्पष्ट मध्य सिरा पाई जाती है, जो इसके शीर्ष भाग द्विभाजी शाखन बिंदु से उती हुई आधार तक आती है, यानी ये थैलस के आधार से शीर्ष तक फैली रहती है। थैलस की प्रत्येक शाखा के शीर्षस्थ भाग में एक खांच होती है, जिसमें थैलस का वृद्धि बिंदु स्थित होता है। इसे हम अग्रखांच कहते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं एपिकल नोच यहाँ पे दिखाई गई है इस तरह से, और ये रिक्शे का पूरा थैलस यहाँ बताया गया। रिक्शिया में थैलस के वेंट्रल सरफेस पे यानी अभ्यक्ष सतह पर मूलाभास व स्केल पाए जाते। मूलाभास यहाँ पे एक कोशिकीय होते हैं, अशाखित होते हैं, नलिकाकार और कोमल प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जो थैलस की सबसे निचली एपिडर्मिस कोशिकाओं से विकसित होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, चिकनी भित्ती वाले और गुलिकीय मूलाभास। इन दोनों में मुख्य अंतर, जो गुलिकीय मूलाभास हैं, इनमें इनकी भित्तियाँ खींची हुई होती है और इनमें खूंटी के समान उभार पाए जाते हैं। मूलाभास का मुख्य काम जड़ों के समान ही होता है, भोजन और जल का अवशोषण। इसके अलावा थैलस की अभ्यक्ष सतह पर सल्कीय झिल्ली में बहुकोशिकीय स्केल पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, बैंगनी रंग के होते हैं, तथा एक पंक्ति में मिडरिब के दोनों ओर व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से ये थैलस में पाई जाने वाली विशेष संरचनाएं होती है। अलग अलग जातियों के अनुसार थैलस चिरस्थाई व अल्पकालिक प्रवृत्ति के होते हैं। रिक्शा फ्लूटेंस एक जलीय जाति है, जिसमें मूलाभास व स्केल का पूर्ण रूप से अभाव होता है। अब हम बात करते हैं युग्मगोदित के आंतरिक संरचना की। थैलस का उदग्र काट काटने पर हमें 2 स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। सबसे पहला है फोटोसिंथेटिक जोन, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र। इस क्षेत्र की सभी कोशिकाएं विलगित यानी अलग अलग आइसोलेटेड उदग्र पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। इन पंक्तियों में जो कोशिकाएं होती है इनको प्रकाश संश्लेषी तंतु बनाती है। प्रकाश संश्लेषी तंतुओं की सबसे ऊपर की कोशिका क्लोरोप्लास्ट विहीन होती है, रंगीन होती है और ये शीर्ष भाग का निर्माण करती है। इसके अलावा इन तंतुओं के मध्य में वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, एयर पोर्स पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं एयर पोर्स पाए जाते हैं।
एयरपोर्ट जुड़े होते हैं वायु कोष्ठकों से। ये बाह्य एनवायरनमेंट से संपर्क कर गैसीय के आदान प्रदान में सहायक होते हैं तथा फोटोसिंथेटिक में प्लांट्स की सहायता करते हैं। इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र फोटोसिंथेटिक क्रिया का काम करता है। आरेख ही भाग में हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट दिखाया गया है स्केल और फोटोसिंथेटिक रीजन जो काम करता है फोटोसिंथेसिस का। दूसरा है संचयी क्षेत्र स्टोरेज रीजन। थैलस के अव्यक्ष भाग में एक बहुत सारी कोशिकाओं का पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का एक क्षेत्र होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। इनके बीच कोई भी अंतरकोशिक स्थान नहीं पाए जाते, सारी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं और इन कोशिकाओं में संचय भोजन के रूप में स्टार्च पाया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे नीचे की कोशिकाएं निचली एपिडर्मिस बनाती हैं जिसमें मूलाभास और स्केल विकसित होते हैं। यहाँ पर बाईं संरचना और आंतरिक संरचना के बाद हम बात करते हैं रिक्शिया में जनन। रिक्शिया में जनन दो प्रकार से पाया जाता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे प्रथम देखते हैं कायिक जनन में। पहला तरीका है खंडन के द्वारा। हम सब जानते हैं कि रिक्शे का थैलस द्विभाजी शाखित होता है। परिपक्व थैलस का जो पश्च भाग है धीरे धीरे सड़ने लगता है और ये सड़ने की क्रिया जब आगे बिंदु तक पहुंच जाती है, शीर्ष भाग तक पहुंच जाती है, तब दोनों शाखाएं पृथक हो जाती है और दोनों शाखाएं पृथक होकर एक नए थैलस का निर्माण करती है। इस तरह से खंडन क्रिया के द्वारा एक थैलस से दो थैलस बन जाते हैं। दूसरा है अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। जैसे अब रिक्शिया फ्लूटेंस एक जले जाती है, इसकी वेंट्रल सरफेस पर कुछ अपस्थानिक शाखाएं उत्पन्न होती है। यह शाखाएं अपने मात्र पादप से अलग होकर एक नए थैलस का निर्माण करती है। इसका चित्र में दिखाया गया है, यह यहाँ पे अपस्थानिक शाखाओं का विकास हो रहा है और इन शाखाओं से एक नए थैलस का निर्माण होता है। तीसरा तरीका है कायिक जनन का चिरस्थायी शीर्ष। थैलस के अग्रभाग में स्थित जो वृद्धि बिंदु है उसको छोड़कर सारा थैलस नष्ट हो जाता है और अग्रभाग मिट्टी में लंबे टाइम तक दब जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, पानी की अधिकता होती है, तब वही भाग एक नए थैलस के रूप में विकसित हो जाता है। यह स्थिति रिक्शिया डिस्कवर में पाई जाती है। नेक्स्ट है ट्यूबर के द्वारा। अनेक जातियों में वृद्धि काल की समाप्ति पर कुछ चिरकालीन संरचनाएं उत्पन्न होती है जिनको हम ट्यूबर्स कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सुसुप्त अवस्था में रहते हैं तथा जब भी अनुकूल मौसम आता है इनकी वृद्धि से एक नए थैलस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में रिक्शिया बल्बिफेरा, डिस्कलर, पेरिनेटा और वेसिकेटा, इन जातियों में रिक्शिया में कायिक जनन ट्यूबर के द्वारा होता है। पांचवा है मूलाभासों के द्वारा। रिक्शिया की कुछ जातियां जैसे रिक्शिया गलुका में मूलाभासों के शीर्ष भाग खंडी भवन व पुनरावृत्त विभाजनों से एक कोशी के पिंडों का निर्माण करते हैं। इन पिंडों के समान संरचनाओं से एक नए थैलस का निर्माण होता है। तो इस तरह से रिक्शिया में कायिक जनन की मैंने आपको पांच विधियां बताई है। इन पांचों विधियों के द्वारा इसमें कायिक जनन संभव होता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। रिक्शिया में लैंगिक जनन के लिए सुविकसित नर व स्त्री जननांग होते हैं
मेल को कहते हैं एंथ्रिडियम और फीमेल कहते हैं आर्गेगोनियम, यानी पुंदानी और स्त्रीदानी। दोनों ही जननांग थैलस की डॉर्सल सरफेस पे मध्य सिरा पर पाए जाते हैं, यानी शीर्ष बिंदु को 3-4 कोशिकाओं छोड़ के आगे ये सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। रिक्सिया की अधिकांश जातियाँ होमोथैलिक या उभयलिंगाश्री होती है, यानी दोनों ही जननांग का विकास एक ही थैलस में होता है, जैसे रिक्सिया क्रिस्टलाइना, रिक्सिया गंजेटिका आदि। कुछ जातियाँ विषम थैलिक होती हैं, जिनमें एंथ्रिडियम व आर्किगोनियम अलग अलग थैलस में पाए जाते हैं, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया फर्स्टाई, रिक्सिया पियर्सोना। सेक्स ऑर्गन का विकास एक कोष्टक में होता है, जो थैलस के परिपक्व के साथ साथ कोष्टक का भी निर्माण होना चालू हो जाता है। थैलस में कोष्टक थैलस की अपाक सतह पर स्थित मध्य खाज में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुंदानी का विकास, यानी पुंदानी प्रारंभिक कोशिका से। ये कोशिका कहाँ होती है? थैलस की डॉर्सल सरफेस पर, 3-4 कोशिकाओं को छोड़ के, वृद्धि बिंदु को छोड़ के 3-4 कोशिकाओं आगे। इसे बोलते हैं एंथ्रिडियल इनिशियल, पुंदानी प्रारंभिका कोशिका। इससे हमको निर्माण करना है पुंदानी का। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम इसके अगले भाग में, यानी भाग द्वितीय में, पुंदानी के विकास, स्त्रीदानी के विकास के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।